दिस इज अ फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माई बाइको। और भाई ये थोड़ा सा है ना रबल टाइप है मैडम, मैं मतलब ऐसा बना है कि ये एक धुलाई क्या 10 धुलाई भी हो जाए ये निकलना नहीं चाहिए। श्योरली यहाँ से सापुतारा एक्सप्लोरिंग पॉइंट की शुरुआत होती है विद गर्दी के साथ में, फुल तगड़ी वाली पब्लिक, हॉर्स राइड करने वाले हम लोग एक ही घोड़े के ऊपर दो लोग अभी हम लोग का भी यही डिसाइड हुआ डायरेक्टली कि थोड़ा सा एडवेंचर करते अपन भी करते जिपलाइन में चढ़ते आराम से with a thotty looking like sky breeze she got a body ay. And she been calling me daddy lately want me to put her in Cartier's and the bitch deserve it put in work for the money she earning give me top man up for that ooh put it on camera she a freak nothing I can't handle when I'm pulling up in that phantom I got a pussy with it. हाँ तो भाई लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स गुड मॉर्निंग फ्रॉम होम। और भाई सबसे पहले तो कैसे लग रहा हूँ मैं, मतलब ये हुडी को देखकर बताओ कैसे लग रहा हूँ। वैसे इतना सब कुछ बताने के पीछे रीज़न ये है कि दिस इज़ अ फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माय बाइको। और भाई साहब क्या ही बताएं, मतलब मुझे तो बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगा, बट फिर भी आपको पूछना ज़रूरी है ये गिफ्ट के ऊपर कमेंट आना भाई साहब लाजमी है। और कमेंट के ऊपर से याद आया कि मैंने एक चीज़ नोटिस की अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कि भाई साहब पीपल्स आर वॉचिंग माई ब्लॉग्स बट डिड नॉट सब्सक्राइब। तो भाई साहब अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो अपने सब्सक्राइबर भाई साहब लाइक बटन छोड़ना नहीं बिल्कुल, ये लाइक बटन दबाने की वजह से होता क्या है यूट्यूब को दिखता है कि भाई साहब ये बंदा क्वालिटी कॉन्टेंट बना रहा है जो कि मैं बना रहा हूँ, और इसे और प्रमोट करता है जिसकी वजह से हेल्प मिलती है यूट्यूब की तरफ से हमें और ग्रो होने के लिए और अच्छे कॉन्टेंट बनाने के लिए। और भाई साहब ये जो गिफ्ट है ना वो एक गिफ्ट नहीं था मैडम ने, और दूसरा भी गिफ्ट बनाया था सेम एज इट इज़ होडी, बट वो ज़्यादा स्पेशल था, बट उसमें एक दिक्कत आ गई ऐसे। वैसे ये ट्रेंड आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर, मतलब जो हमारी प्रेमिकाएं होती है वो अपने लिप्स से उस होडी के ऊपर किस कर करके वो सब कुछ अपना एक थंब बनाती है, सॉरी क्या बोलेंगे उसको समझ लो, मतलब मेरी अंतर्भावना में क्या बोलना चाहता हूँ, तो वो बनाती थी। मैडम ने इतना परफेक्टली बनाया सब कुछ किया, और ये जो है ना ये थोड़ा सा है ना रबल टाइप है मैडम, मैं मतलब ऐसा बनाया है कि ये एक धुलाई क्या 10 धुलाई भी हो जाए ये निकलना नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसा मटेरियल उसको बनाए जो निकलेगा भी नहीं और एकदम परफेक्ट बनाए। पर दिक्कत कुछ ऐसी आ गई कि ये है साइज़ एक्सेल, और एक्चुअल में मुझे आता है एक्सेल साइज़, बट ये हुडी निकला 4 साइज़, तो ये एक हिसाब से देखा जाएगा तो ये एल भी नहीं है, बट इस हुडी के लिए मैं फिट हूँगा, मतलब अभी भी फिट है अनफिट नहीं है, बट सीन कुछ ऐसे है कि भाई साहब 70 kg के ऊपर हम लोग मेंटेन किया करते थे अपना वेट, पर अभी हो गया है 84 kg, 14 kg का गेन कर दिया है, क्या ही करे, हेल्दी रिलेशनशिप आर मेक्स यू हेल्दी, ऐसा सुबह कैप्शन पढ़ा था मैंने एक वीडियो के अंदर एक फ़ोटो के अंदर, तो जी ऐसे सीन है। और भाई साहब 9:32 हो रहे अभी टाइम, और आज के प्रोग्राम कुछ ऐसे है कि आज है संडे वीकेंड, यूजुअली हम वीकेंड के दिन कहीं घूमने के लिए जाते नहीं, बट आज स्पेशल दिन है, मुझे ये ओडी भी पहनना था और बाइक राइड के ऊपर भी जाना था, तो सोचा कि क्यों ना वीकेंड के अंदर चलते और मैडम को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो आज का जो लोकेशन है वैसे अपने कैप्शन और थंबनेल को देखकर तो समझ में आ ही गया होगा, तो आपको मैं बता देता हूँ स्लोली में, अगर सुन लेंगे तो वो जो है ना स्पॉइलर, मतलब स्पॉइल हो जाएगा, मतलब मेरा प्लान उनको अभी तक बताया नहीं मैंने मेरे बाइकों को, तो सिंपल थिंग के अंदर गुजरात की आँखों का तारा सापुतारा। तो जी ऑलमोस्ट रेडी है, 10 बजे निकलने का टाइमिंग बोला है, आधा घंटा है तब तक पूरी पैकिंग वगैरह कर लेते और सीधा मिलते आपको मोटो ब्लॉक के सेटअप पे। चलो रेडी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो पेट्रोलिंग डन है, और आज की जो लोकेशन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर से, इसलिए मैंने राइड अप वगैरह भी किए नहीं, सिर्फ साथ में ग्लोव्स ले लिए, जैकेट मैंने लिया नहीं है, और मौसम तो एकदम खुला खुला है, पर आई एम 100% श्योर
जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना, तब मौसम ख़राब हो ही जाता, बूंदाबांदी शुरू हो ही जाती है, बादल आ ही जाते, तो इसलिए फिर भी मैंने अपने टैंक बैग के अंदर रेनकोट ले लिया है साथ में, बस अपना राइडिंग जैकेट नहीं लिया क्योंकि लोकेशन बहुत क्लोज है और मुझे लगा कि राइडिंग जैकेट लेना ज़रूरी है। और ये जो अपना हुडी पहना है वो भी तो दिखना चाहिए ना भाई, तो देख देख के तो मजा आएंगी। राइडिंग जैकेट पहन लेंगे तो भाई साहब एक अलग से गर्म तो अलग से होगा, ऊपर से ये ख़राब भी हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेयरिंग माय राइडिंग जैकेट। पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है और भाई साहब यहाँ पर हल्की हल्की सी ठंडी लग रही, और रास्ते तो एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हल्की हल्की ठंडी इससे लग रही कि आगे कहीं तो भी बारिश होना शुरू हो जाएगी। मतलब 101% पहाड़ों के अंदर तो बारिश होती ही है, आने के टाइमिंग के अंदर धूप निकली थी, एकदम क्लीन एंड ड्राई लग रहा था मुझे पिंपल गांव तक के। और जैसे मैंने अंदर की तरफ टर्न लगाया ना भाई साहब, तो भाई अभी हल्की फुल्की ठंडी लगना शुरू हो गई और सामने की तरफ देख रहे हो फॉग के अंदर पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, हवा बहुत ज़बरदस्त है। अंकल के ऊपर भी समझ जाएंगे इनके कपड़ों के ऊपर से कितने ज़ोर से हवा चल रही है, बहुत ज़ोर से हवा है। ऐसा वो अभी ज़्यादा कुछ बूंदाबांदी लगना शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि यहाँ पर रुक कर है ना रेनकोट पहन लेते क्योंकि आगे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा बारिश शुरू हो गई तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हेलो तुझी, ये रेनकोट पहन लिए। वैसे मैंने सिर्फ रेन जैकेट ले लिया है, रेन पैंट नहीं लिए। अगर ज़ोर से बारिश शुरू हो गई ना तो रुकना पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा भीगने का कुछ अभी ऐसा सीन है नहीं और कुछ मन भी नहीं है मेरा बिल्कुल भी। ओ घोड़े साहब कहाँ बीच में विश्राम कर रहे तुम, गौ माता बीच में विश्राम किया करते थे, अभी घोड़े भी बीच में विश्राम करने लगे। वैसे बारिश तो अभी नहीं है पर रोड पूरे गीले गीले हो गए हैं, बीच बीच में बारिश आ रही है फिर जा रही, आ रही फिर जा रही। यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर और डेस्टिनेशन। ओ काला, अरे रुको ना, तुमको कहाँ जल्दी है, क्या बाबा यार 2 मिनट कैसे रुक जाने का, तो वो ट्रैक पे थी, वो ट्रैक से ये ट्रैक पे आने के लिए दौड़ लगा रही, काला भी ना यार, सब काला पीला कर दे दिया मतलब। ये देखो क्या जबरदस्त पहाड़ है, रुकने का ये यहाँ पे अपन फोटो निकालेंगे ना बाबा। आई साहब क्या जबरदस्त लग रहे, ओह यहाँ पहाड़े, यहाँ हमारी एक्सपल्स और यहाँ पर हमारी बेगम, बड़ा ही पारिवारिक माहौल बन गया है। अभी जस्ट मैंने जो टिप्पणी कर रहा था वो टिप्पणी के अंदर मैडम ने हमें बोले कि कहाँ सापुतारा जा रहे, कैसे पता चला, तो बोले तुम्हारी फर्स्ट राइड जहाँ पे हुई थी वो तो सापुतारा साइड में थी और जाने के टाइमिंग के अंदर इतने सारे बोर्ड लग रहे सापुतारा के, तो सापुतारा ही जा रहे, सापुतारा ही जा रहे, खड़े रहो तुम्हारे फोटो निकालना मस्त। अरे मेरी बाइक के सामने खड़े रहने का, ऐसा अकेले नहीं, अकेले फोटो नहीं निकलता मैं, अपनी बाइक तो जरूरी है। ओके चलो दूजिए हम निकाल लेते फोटो शोटो, कौन आ रहा भाई ये राइडर चाहिए अलग। ओ हीरो होंडा के ऊपर उसने डायरेक्ट बूस्टर साइलेंसर लगा के रखा था। चले तो निकाल लेते हम फोटो शोटो कर लेते थोड़ा सा, सापुतारा का एक छोटा सा घाट लगने वाला है हमको। यहाँ पर बारिश की कोई सीन नहीं है पर हवाएं बड़ी जोर जोर से चल रही है, यहाँ पर अभी बारिश नहीं, देखो बिल्कुल भी बारिश नहीं है, रोड एकदम सूखे सूखे और सामने की तरफ देखो रोड पूरी गीले गीले, क्या ही सीन है। मतलब बारिश तो आ रही जा रही तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ऐसे आ रही जा रही ऐसे रोड के ऊपर है बारिश और वहाँ पर मतलब यहाँ पर बारिश नहीं है यहाँ पर बारिश है देखिए। और एकदम छोटा सा सापुतारा का घाट ऑफ रोडिंग लग गया 19 किलोमीटर फ्रॉम हियर, 19-20 किलोमीटर है अभी यहाँ से सापुतारा। भी अभी फ्रेश अभी भी एक्सीडेंट हुआ है, फ्रेश एक्सीडेंट है डायरेक्टली, ये बंदे अभी जस्ट निकले बाहर, नंबर आएगा देखिएगा, डायरेक्ट पलटी मारा अंदर उसने, ये लोग अभी भी बाहर निकले, मतलब अभी जस्ट फ्रेश एक्सीडेंट हुआ है। वीकेंड, दिस इज अ कॉल वीकेंड रश, आई नो वीकेंड वेरी वेल। तो जी ऑफिशियली यहाँ से सापुतारा एक्सप्लोरिंग पॉइंट की शुरुआत होती है विद गर्दी के साथ में, फुल तगड़ी वाली पब्लिक। लेफ्ट साइड के अंदर लेक है,
अरे चलना दादा पॉइंट, ऐसे ऐसे लोग कार चलेंगे तो कैसे चलेंगे यार ऐसे। क्यों आते लेफ्ट साइड के अंदर, सॉरी राइट साइड के अंदर सनसेट पॉइंट गया, और लेफ्ट साइड के अंदर ऊपर एक्सप्लोरिंग वाली जगह है जहाँ पर जो स्काई डाइविंग वगैरह होती है। तो सबसे पहले ऊपर जाएंगे अपन, ऊपर की जगह एक्सप्लोर करेंगे, इसके बाद में सेकंड साइड अपना सनसेट पॉइंट की तरफ जाएंगे। सनसेट तो देखने मिलेगा नहीं अभी मानसून चल रहा, तो बट फिर भी प्लेस एक्सप्लोर कर लेंगे। नीचे आएंगे लास्ट के अंदर लेक, लेक के अंदर मस्त बोटिंग वोटिंग करेंगे, जब तक दिल नहीं भरता तब तक रुकेंगे, उसके बाद में फिर फरार। जबरदस्त गर्दी भाई साहब, जबरदस्त मेला भरा है डायरेक्टली। ये आ गए हम सीधा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे लग गया डायरेक्ट बाजार, जत्रा बड़ी डायरेक्टली जत्रा। तो कितनी पब्लिक देखे क्या जी। अच्छा तो टू व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं है, अभी एक सही जगह देखकर हम यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर लेंगे। ये लग गई अपनी बाइक यहाँ पर। शुरुआत करना जरूरी है। वैसे गाइस, ऐसे कोई स्ट्रीट परफॉर्मिंग वाला बंदा कभी दिखे ना आपको, तो सबसे पहले शुरुआत कर दो अपने तरफ से ही। जब तुम शुरुआत कर देना तो कोई ना कोई बंदा आकर शुरुआत कर ही देता है, और हम लोग ने अभी फर्स्ट एक्सप्लोरिंग पॉइंट यहाँ से शुरुआत की है। मतलब पब्लिक देख रहे हो अभी कितनी है, और भाई साहब यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हवाएं भी चल रही है। मुझे लग रहा है कि मतलब नॉइस वगैरह ज़्यादा जनरेट हो रहा होगा, बारिश वगैरह बूंदाबांदी भी हो रही है अभी बीच में। और भाई साहब क्लाइमेट का जो देखा जाए ना, तो क्लाइमेट बहुत ज़बरदस्त है। ये देख रहे हो सामने की तरफ ये जो लेक है ना, ये नीचे जाने के बाद में हम लोग बोटिंग वगैरह करेंगे उस साइड लेके, वहाँ से बताया होता, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दी है। और यहाँ पर मेन मेन बोले तो क्या सीन है बताए, क्या बताओ जरा, तुम्हारा वस्त्र, तुम्हारे वस्त्र बता, रुमाल रुमाल। बीच बीच में ना लेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बूंदाबांदी हो जा रही। अरे 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 अभी जोर से बारिश शुरू हो गई, चलो अंदर अभी सीधा ऐसे चलो जल्दी चले जल्दी। हॉर्स राइड करने वाले हम लोग, एक ही घोड़े के ऊपर तुम लोग ये पैड में डालो भजन इस तरह सरक दो। पकड़ो ये, चलो खड़े हो जाओ, आगे पग डालो। एक सीधा बैठ जाओ, थोड़ा पकड़ा गया नहीं बराबर। चलो भाई बीचो मत आ, चल लग रहा चरण बीचो मत आ, ट्रिप पर कर रहा हूं। वैसे लास्ट टाइम में हम लोग ने हॉर्स राइड की थी सिंगल सिंगल, वो टाइमिंग के अंदर इतना नहीं मजा आया था जितना अभी आ रहा है। रहा सब जगह पे यार फॉग ही फॉग हो गया ना भाई साहब, जबरदस्त। हट ए रुक रे, भयान मजा आ रहा है। कैसे लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? टूट 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 टूट। इसका नंबर आ गया नीचे। थोड़ा सा बेल्ट खींचेंगे तो रुक जाएगा। हाँ बेल्ट खींचो। चलो तो पहले किसका सिंगल फोन? पहले मैं हाँ सिंगल फोन। हाँ तो फिर हाँ ओके। तो मैडम को भी सिंगल फोटोज निकालने, इसलिए लास्ट टाइम में हम लोगों ने फोटो वगैरह निकाल ली।
फोटो निकाल लेते। अभी अभी हमने हॉर्स राइडिंग के मजे लिए। हाउस योर फीलिंग्स मीनू, कैसा लगा? बहुत मजा आया भाई साहब। जो ये सामने की तरफ दिखाई दे रहे ना, क्या ही जबरदस्त गर्दी है। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो हॉर्स वगैरह खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग ने हॉर्स राइड ही और टर्न करते हुए वहाँ तक वो बंदे ने लेके गया उस साइड तक, वहाँ से फिर से रिटर्न। वैसे इतनी सारी रस जो दिखाई दे रही है ना भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ वीकेंड के अंदर गर्दी है, बाकी टाइमिंग के अंदर बिल्कुल भी इतनी गर्दी रहती नहीं। बट वो बोलते ना, मतलब नहीं क्या, गर्दी रहेंगी तो ही मज़ा आता, बाकी टाइमिंग के अंदर ऐसा मज़ा आता नहीं। लास्ट टाइम में हम लोग ने जब राइड की थी ना, तो बंदे ने बोला था 100 रुपीज़ पर पर्सन, पर जब वो घुमा कर लेकर आए तो 200 रुपये पर पर्सन लिया था। ब्लॉग के अंदर आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने अभी इसको डिसाइड कर लिया कि भाई कितना है, कैसी सवारी, कहाँ तक लेके जाएगा, कितना लेके जाएगा, तो ऐसा पहले पूछ लेना, उसके बाद में डिसाइड करना। वैसे बहुत सारी लोकेशन हम लोग एक्सप्लोर कर लेते, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे वहाँ पर ब्लॉगिंग कर लेंगे। जिपलाइन का सीन देख रहे हो क्या? इस साइड के अंदर फॉग बहुत कम है, पर ये साइड से जब जिपलाइन आ रहा है ना भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त फॉग है। अभी कोई आएगा ना बंदा तब समझ में आएगा, मतलब अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया है। कोई तो आए नहीं कभी, आ रहा आ रहा है, आ रहा है, आवाज़ आए देखो भाई साहब। क्या ज़बरदस्त सीन है। अभी हम लोग का भी यही डिसाइड हुआ डायरेक्टली कि थोड़ा सा एडवेंचर करते, अपन भी करते, जिपलाइन में चढ़ते। बट दिक्कत ये आ रही है कि अभी बैग वगैरह कौन संभालेगा, देखते अरे ट्रिक करना पड़ेगा अपने को भी यहाँ पर। अरे कुछ दिखाई दे रही है, ठीक है ट्रिक करना है, ट्रिक है ना, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक है ऊपर चढ़ने के लिए। आपको से यार मतलब जिपलाइन ऊपर से आ रहा हूँ तो वही हूँ, ये देखो इतना ट्रिक करके जिपलाइन साइड में हम लोग जाते रहिए। बस इतना ही है, सिर्फ बैग के लिए अलाउडेशन मिल जाना चाहिए, बैग अलाउ करेंगे तो ही जिपलाइन करते आएंगे। फाइनली जिपलाइन साइड में हम लोग पहुंच गए। बहुत बड़ा ट्रिक करके। हाँ पब्लिक है वहाँ पे बहुत सारी, चलो जी, अभी भी निकल रहे हैं। कौन होने हैं? कौन होने हैं? बाकी जमाने में कम पड़ रहा है। हेमा उधर सामने उतारो ना। नॉर्मली बाद में हाथ छोड़ा कुछ इसको टच नहीं करना, चेयर में बैठता है बैठ जाना, बैठ जाओ चेयर में, बैठ जाओ, बैठो बैठो आराम से आराम से। लास्ट में तेरे ऊपर है सर, लास्ट यहाँ पे चेयर में बैठते से बैठ जाओ, तो बैठ जाओ। और कोई है? नहीं नहीं यार जाए करने लाज रहे। कैसा लगा? मजा आया। चलो तो भाई साहब कैसे फीलिंग बया गुरु में हमारी। जाने के टाइमिंग के अंदर मस्त ट्रेक वगैरह करते गए, बस ये सोच रहे थे कि मतलब ये जो बैग लाई साथ में उसको मतलब अलाउ कर दे। वैसे जिपलाइन के अंदर मेरा फर्स्ट टाइम था और मीनू को भी फर्स्ट टाइम था। जाने के टाइमिंग के अंदर ट्रेक करने के टाइमिंग के अंदर ना भाई साहब डायरेक्ट ऐसे लेग्स पेन करने लगे, पर जैसी जिपलाइन आई और वो सब कुछ हेलमेट वगैरह सब कुछ पहना और जब छूटे ना, पहले तो मीनू मुझे बोलती
मैं ना बोले मोबाइल लेके जाऊंगी, तुम गोप्रो लेके जाना। मैं बोला ओके, मैं गोप्रो लेके चले जाऊंगा, तुम मोबाइल लेके जाना। बाद में बोलते नहीं नहीं, बोले बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, बोले मैं ऐसे ही चले जाओगे, बोले तुमको जैसा समझते तुम वैसा करो। भाई साहब अपन जैसे जिपलाइन में बैठ कर और वो जो मोशन में आया ना स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर, मैंने जोर जोर से चिल्लाया, बाद में आवाज़ ही गायब डायरेक्ट मेरा। पैरों के नीचे से जमीन फिसल जाना, वो मुहावरा डायरेक्ट यहाँ पर आके डायरेक्ट कंप्लीट हो गया। खतरनाक, मतलब एड्रेनलाइन ऐसे पीक पर आ गया देना, मतलब जो बॉडी के अंदर पेन था सारा गायब हो गया। वैसे ये जिपलाइन का ना 300 रुपीज पर पर्सन चार्जेस था, पर भाई साहब पैसा वसूल काम है। हॉर्स राइड के अंदर भी अपना पैसा वसूल हुआ 100 रुपीज पर पर्सन, और यहाँ पर जिपलाइन के अंदर भी 300 रुपीज पर पर्सन, मजे आ गए। अब जो हम यहाँ पर रुके ना, तो एक ये रेस्टोरेंट है छोटा सा, यहाँ पे हमने मैगी ऑर्डर दी है, आज का लास्ट डे यहाँ। इसके बाद में मैं डाइट वगैरह सब कुछ अच्छे से फॉलो करूँगा, आज लास्ट डे, आज कर लेते। मैगी का प्राइस सुनो ही मत, 5 रुपये की मैगी 50 रुपये में, और सब्जी वाली 60 रुपये में। सेकेंड यहाँ पर इसके भी पैसे लग रहे, वो भी 10। हॉटस्पॉट है भाई साहब, चलता है। चले तुझे, एक बार फिर हम अपने बाइक के साइड में आ गए, क्योंकि हमें जाना भी स्काई डाइविंग के साइड में, और वहाँ पर बाइक लेके जाकर ही सही रहेगा, बिकॉज इतना चल के जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। वैसे भी स्काई डाइविंग तो चालू नहीं है, बट फिर भी एक्सप्लोर करने में क्या जाता है। ओके, मैं भी था लोकेशन वगैरह सब कुछ देख लिए, हॉर्स राइड भी हो गई, सनसेट पॉइंट भी कवर करना हो गया, और मैगी भी खा ली, जिपलाइन भी कर ली, बस ये साइकिल में बैठने का बाकी है। अभी तक ये मन बना नहीं साइकिल में बैठने का, और देखते भी वहाँ पे जाकर आते पहले। वैसे स्काई डाइविंग चालू नहीं होंगी इस टाइमिंग के अंदर, बारिश के अंदर और फॉग के अंदर उतना देखा नहीं मैंने अभी तक के, आने के टाइमिंग के अंदर भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वहाँ पे जाके पता चलेगा, अगर ऑनलाइन चलता है तो सोचेंगे करने की, बिकॉज़ यहाँ पे आने का था, जब मैं मैगी का पेमेंट कर रहा था ना, तो जियो का बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क आ रहा है पर पेमेंट हो नहीं रहा। तो भाई साहब जब भी आओगे तो कैश कैरी करके ही आना साथ में, बिकॉज यहाँ पे पेमेंट हो नहीं रहा। ओ खाला, अरे देखो कितना अभी क्लियर हो गया, सारा फॉग सामने की तरफ से क्लियर हो गया अभी पूरा पूरा। हम लोग ने जब करे तब वो टाइमिंग के अंदर फॉग बहुत ज़्यादा था, तो सामने की तरफ देख रहे हो डायरेक्टली, वो जो सामने की तरफ माउंटेन दिखा रहे, जो पहाड़ दिख रहा ना, वहाँ पे हम लोग ने जिपलाइन की थी। आगे चल के मैं डायरेक्टली ऊपर से बता था, ये देखो। तो वैसे भी जो देख रहे हो सामने की तरफ पहाड़, ये पहाड़ के ऊपर हम लोग ने ट्रेक करके गए, और ऐसे जो ये बंदा आ रहा हो फाइट, ये देख रहे हो कि ऊपर साइड में सी। ओ भाई साहब मज़े ले रहा है भाई साहब, मज़े बंदे डायरेक्टली हवा हो गए, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब वो टाइमिंग के अंदर हम लोग के टाइमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फॉग था, और फॉग से निकलने के बाद में डायरेक्ट, मतलब नहीं कैसा बुप से डायरेक्ट आ रहा था, डायरेक्ट एड्रेनलिन पीक हो रहा था। ये टाइमिंग के अंदर मज़ा आ रहा होगा, इतना सा ट्रेक करके अपन गए थे ऊपर, छोटा सा ट्रेक था, ज़्यादा बड़ा भी ट्रेक नहीं था, ऐसे ऐसे नॉर्मल से ट्रेक तो बहुत किए। अभी इतना ऑफ रोड करके हम लोग जा रहे स्काई डाइविंग साइड, बाइक पीछे साइड से ऐसे स्केट कर रही ना, खतरनाक यार, रास्ता देख रहे हो कितना खतरनाक हो गया है। मैडम चल के आगे तक चलो, तुला नो टेकिंग द रिक्स, जाओ। वैसे इतना डीप नहीं था, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी रिक्स विथ हर। ये पहुंच गए भाई साहब हम लोग स्काई डाइविंग की साइड में, लास्ट टाइमिंग के अंदर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्काई डाइविंग हो रही थी, ये देख रहे हो ज़बरदस्त। पीपल्स आर इंजॉइंग हियर, इस सामने की तरफ देखो सारे कार वगैरह लगे, और इस साइड में देखो क्या ज़बरदस्त है। रुको रुको, रुकते रुकते आ जाओ, क्या जबरदस्त है, पूरी हरियाली हरियाली चाहिए। अपन देखो वो साइड से आए थे सब पूरा गोल घूम के, लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो ये साइड से ना सारी स्काई डाइविंग वगैरह हो रही थी। स्काई डाइविंग इस टाइम भी क्यों बंद है को समझ भी नहीं आ रहा,
और ये अपनी एक्सपल्स खड़ी, ये क्या कर रहा है ये? ये देखा क्या, ये ऐसा थोड़ा सा पैसा दिया और गाड़ी कैसी वाट लगा देना, जबरदस्त जबरदस्त एरिया एकदम। चले तो जी थोड़े से एरिया के मजे लेते हम। With a thotty, looking like Scabby, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartier's, and the bitch deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Now I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad bitch, look like Scabby, ooh. Right beside me, with a phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Scabby, ooh. Right beside me, with a phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Scabby, ooh. Right beside me. अभी जस्ट मैं अपना फोटो शूट वगैरह चल रहा था गाइस, जबरदस्त मतलब खतरनाक फॉग आ गई, देख रहे हो ये, यहाँ पर मैंने अपनी बाइक पार्क की, ये सामने की तरफ देख रहे हो, ये सारी पब्लिक यहाँ पे रखी होगी, बहुत जोरों शोरों से बारिश होना शुरू हो गई थी डायरेक्ट, मतलब सब जगह पे फॉग ही फॉग हो गई है, खतरनाक। मतलब जो भी मतलब वो जो बोल रहा था ना मैं जिपलाइन मतलब स्काई डाइविंग का जो सीन बताना था मैंने आपको, वो इसी वजह से ना डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अचानक में ना ऐसी फॉग वगैरह शुरू हो जाती है और सब जगह पे देखो रो पूरा कोहरा ही कोहरा छा गया भाई, खतरनाक है। वैसे हमारे अभी सिर्फ साइकिल राइड बाकी है और वो बीच में का जो एक है ना उडन खटोला वो बाकी है। अब देखते अभी नॉर्मली टाइम कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 2:16, देखते कुछ तो भी डिसाइड करते हैं, अभी फाइनल करते हैं। अभी फिलहाल में तो रेस्ट लिया है, रेस्ट कंप्लीट करेंगे फिर निकलेंगे। यहाँ पर हम अभी अपना रेस्ट संपन्न करते हैं। अभी जो प्लान बने कुछ ऐसे है कि अभी बाइक राइड करने सीधा फॉग के अंदर, सामने की तरफ देख रहे हो मतलब कितना कोहरा ही कोहरा छा गया है, ये जो दिखाई दे रहा ना इस साइड में डायरेक्ट नीचे खाई, मतलब टाटा बाय बाय ख़त्म। इतना कोहरा नहीं है जितना हम लोग राइड के ऊपर देखा करते हैं, बाकी जो अदर राइड के अंदर जाता हूँ ना मैं तो इतना कोहरा नहीं है, बाकी ये नॉर्मल है सारा पूरा के पूरा। साइकिल चलाने की ठीक है, कैसे कैसा है? हाँ अरे ये कैसा है राइड कैसा है भाई, पैसा कितना लेता? अच्छा तू है, मेरे को दिख रहा अच्छा तू। हाँ 50 रुपये में कितना राउंड? एक राउंड कहाँ से? वहाँ से यहाँ तक के? वहाँ से वहाँ तक के एक बंदे का 50 क्या पूरी गाड़ी का 50? दो जन का 50 50 ही है ना, मेरी बैग संभालेगा? Look like Scabby, ooh. Right beside me, in a phantom off that Molly, yeah, yeah. Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a Land truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a pussy wetter than Niagara, ooh. Bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth. None of them fucking with me in these streets, ooh. Chalo, 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 chalo. Fog slowly, slowly hat raha hai. अब अभी आगे के कार्यक्रम कुछ ऐसे कि अभी हमने अभी तक के वैसे ये जो बाइक आ रही ना ये बाइक के ऊपर भी राइड करने की सोची थी, बट बाद में बोला जाने तो छोड़ो बाइक की राइड क्या करना, साइकिल भी वैसे है बट साइकिल के ऊपर जो काम किया था ना भाई, मतलब वो फूल वगैरह आर्टिफिशियल फूल वगैरह लगाए उसके ऊपर हमने मस्त फोटोशूट वगैरह किया। और ये जो एरिया है आपको तो पता ही है मतलब यहाँ से स्काई डाइविंग होती। अभी प्रोग्राम कुछ ऐसे बन रहे कि अभी हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, मतलब ये पहाड़ से उस पहाड़ की तरफ। अब वो साइड में जाकर देखेंगे कुछ प्रोग्राम बने, मतलब वो जो उडन खटोला है उसके उसकी राइड करनी है अभी। और अभी ये देख रहे हो मतलब कितना ज़बरदस्त फॉग ही फॉग हो गया सामने की तरफ, ये ज़बरदस्त फॉग है। अभी हम पूरा नीचे उतर के आ गए और ये सामने की तरफ देख रहे हो ऊपर के येल्लो ग्रीन और रेड है ना, तीन टाइप के। मैं एक साइड में गाड़ी लगा देता भाई साहब, पिकनिक के लिए पब्लिक बैठी है यार, मतलब कम्प्लीटली ना एक फैमिली स्पॉट है। मैं यहाँ पे एक बता देता एक वीडियो बनाकर, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता नहीं कि अब कैसा सीन है। अब ये जो दिखाई दे रहा आपको ये वाला, वैसे गोप्रो में इतना खास दिखाएंगे नहीं इसलिए मैं मोबाइल में दिखा रहा हूँ, ये वाला जा रहा है उस साइड के अंदर वहाँ पर,
और वहाँ से ये रिटर्न दूसरा भी आ रहा है। अब कंफर्म ये करना है क्या जाकर फिर से रिटर्न आ रही है क्या, क्योंकि अपनी बाइक लगेंगे एक साइड में और दूसरे साइड में। तो जी हॉर्न ज़्यादा मार रहा था, दिमाग ख़राब हो गया था। आराम से जा सकता है बंदा फिर भी। चलो पब्लिक ज़्यादा हॉर्न मार रही है, मैं ऊपर जाके एक्सप्लेन करता। ये भाई साहब, सो वी आर थिंकिंग नाउ, छोटे बच्चों के लिए कि क्या है ज़रा समझ में तो भी आए। हमारे साथ में है ना छोटा बच्चा, बड़ों के लिए भी है क्या, छोटों के लिए भी है? बड़ों के लिए भी है ना। 100 rupees पर पर्सन दो राउंड। कितना स्पीड भागती है क्या? हाँ कीचड़ उड़ेगा। हाँ अच्छा पीछे से कीचड़, कीचड़ तो क्या अभी इतना ख़राब हो गया तभी और क्या कीचड़ उड़ेगा। हाँ भगा सकते हैं ना, कोई नहीं फिर भगा सकते हम। अरे अरे ऑनलाइन होगा क्या? पर ला बताओ, पहले ऑनलाइन चेक कर लेते अपन होगा कि नहीं, उसके बाद नहीं फिर डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना है। मान नहीं हो रहा है, अनेबल टू वेरीफाई द QR कोड, नहीं हो रहा। ₹100 ही है अपने पास में, बाकी का कैश 2170 है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक राउंड इनके लिए एक राउंड मेरे लिए, चलेगा ना? अरे फिर आया तो फिर बना लो इसी। अच्छा ये ब्रेक है क्या? आराम आराम से। भाई साहब हमने अभी मोटर बाइक भी चला ली, मीनोस ने इतनी परफेक्ट बाइक चलाई ना, मैंने कम से कम 2 से 3 बार डायरेक्ट इधर उधर डाल दी। उसका वीडियो शूट नहीं आया, शूट आया तो समझ में आया था। कहाँ गई मीनू? बाइक निकाल ले तो ऊपर में। यहाँ पर हमने मल्टीपल एक्टिविटीज़ अभी तक कर ली है, और ये साइड में लेफ्ट साइड में अभी हमारा दूसरा तरफ जा रहे हैं हम लोग। वो जो रोप लाइन जो दिखाई दे रही थी ऊपर की साइड से, मैं एक्सप्लेन जो कर रहा था। अब सीन कुछ ऐसे है क्या, ये साइड में जाकर हम लोग चेक करेंगे पहले क्या वो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वापस रिटर्न भी आना है, और वो वहीं पर छोड़ देंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएंगी। तो पहले कन्फर्म करेंगे, सबसे पहले तो कन्फर्म ये करना है भाई साहब कि हमारा पेमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर पेमेंट होगा तो ही मज़ा है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अभी ऊपर जाने देंगे कि नहीं देंगे? ऊपर नहीं जाने देंगे, चढ़ के चढ़ने में बहुत दिक्कत है। नहीं कैंसिल, फिर यही से कैंसिल, नीचे नहीं जाना, चढ़ के नहीं जाना क्योंकि बहुत बड़ा है वो। 6 बजे खुल जाएगा। कैंसिल, रोप लाइन कैंसिल, क्योंकि वो ऊपर जाने का है ना बहुत बड़ा है इंक्लाइन, चलते चलते जाएंगे ना बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, आने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो भाई सब पॉसिबल नहीं है ऊपर जाके रिटर्न आना। तो हम यहीं से कैंसिल करते हैं, अभी सीधा चलते हैं नीचे साइड में लेक के अंदर, बोटिंग करेंगे और फिर सीधा निकलेंगे घर पर। जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक अपन अपनी बाइक राइड लगाएंगे। बाइक कर देते अपनी बाइक पार्क। इस टाइम हम बोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि आने के टाइमिंग के अंदर देखी नहीं गर्दी कितनी थी, मतलब खतरनाक। जितने भी मतलब वो शेड के अंदर लोग खड़े थे ना सारे, वो ही वेटिंग के लिए खड़े थे डायरेक्टली बोट के लिए। तो हम लोग ने बोटिंग कैंसिल कर दी, मतलब ये जो दिखाई दे रहे ना यहाँ पे इस साइड के अंदर सारे लोग बोटिंग वगैरह कर रहे। लास्ट टाइम मैंने बोटिंग किया था सुफेन के साथ में, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह तो बहुत ज़बरदस्त हुआ, चाइनीज़ वगैरह लिया था, पिज्ज़ा लिया था, मोमोज लिए थे, बट भाई साहब सबका कॉस्ट डबल था। ये भी होना, ये भी पता होना ज़रूरी है। और तीसरी बात ये कि आपको साथ में कैश लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जियो का यहाँ पे नेटवर्क है नहीं, महाराष्ट्र का सिम चल नहीं रहा सही से,
फिर भी मुझे जो रेस्टोरेंट के मैंने खाया था वहाँ पर मुझे डायरेक्टली वाईफाई मिल गया, तो वाईफाई पे मैंने पेमेंट कर दिया। और बाद में ये सोचा था कि अगर बोटिंग करनी की होंगी तो फिर उसके लिए अपन कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, पर जुगाड़ तो कुछ बना नहीं। पर फिर भी जुगाड़ इसलिए नहीं बना कि बहुत ज़्यादा कर दी, तो मैंने कैंसिल कर दिया। और अभी यहाँ पे सीधा यहाँ से सीधा निकलना है भी घर पे, तो मैं सोचा कि ब्लॉग की समाप्ति भी यहीं पे ही कर देते। क्या बोलते, बोटिंग का तो कैंसिल हो गया, लाइफ से भी तो पॉसिबल होने वाला है ही नहीं। जो सामने की तरफ जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ना, सब बोटिंग कर रहे हैं। तो करते हैं ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपको वापस एक अच्छे से ब्लॉग के अंदर, तब तक के अपना ख्याल रखना।